दोस्तों आज हम जानने वाले हैं YouTube के अंदर वीडियो का RPM कैसे चेक करते हैं और किस प्रकार से ये कहां पर ऑप्शन आएगा और कैसे पता करें हम कि ये RPM का ऑप्शन है और इससे हम RPM चेक कर सकते हैं। तो RPM कहां पर आता है और किस प्रकार से इसे चेक करते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहिए और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाई स्टेप आपको समझाया जाएगा और दिखाऊँगा किस प्रकार से और कैसे हम RPM चेक करते हैं। RPM के अंदर ये होता है कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं उसके अंदर जो हमारे व्यूवर्स होते हैं व्यूज आता है और एक व्यूज पे जैसे कि 1000 व्यू आ चुका है उसका RPM किस प्रकार से रहता है वही हम चेक करेंगे, कैसे कि एक वीडियो से हमें कितना पैसा मिल जाए। उसका पहले भी मैंने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पर भी मैंने कुछ इस प्रकार से ही समझाया गया था कि RPM कैसे होता है, उसमें एक वीडियो से हमें कितना पैसा मिलता है। तो आज की वीडियो के अंदर का हमारा जो वीडियो का टाइटल होगा वो होगा कि RPM कहाँ पर होता है, RPM कैसे चेक करें और किस प्रकार से यानी क्या होता है RPA के अंदर। तो RPM के अंदर और चेक करने का रीज़न होता है कि आपको किस प्रकार से चेक करें। तो सबसे पहले आपको मोबाइल के अंदर YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है। जैसे आपने YT स्टूडियो को ओपन किया तो वहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा, तो आप देख रहे हैं। तो उसके अंदर आपको किस प्रकार से YT स्टूडियो के अंदर कहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ पर आपको RPM देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कंटेंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत ज़्यादा वीडियो आपने जो अपलोड किए हुए हैं वो आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं YT स्टूडियो के फीचर भी नया आ चुका है, आपके भी मोबाइल में इस तरह का अपडेट आ चुका होगा। नया आया हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं किस प्रकार से आपके क्यों नहीं आया, इसका मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा टेलीग्राम लिंक मिलेगा जहाँ से आपको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पर मैं आपको रिप्लाई 100% आपको मिलेगा और वहाँ पर फेसबुक वगैरह भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये आपने YT स्टूडियो को ओपन किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो, इसमें से कोई एक वीडियो का आप RPM निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना होता है, तो जैसे कि कोई एक वीडियो पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस वीडियो पे क्लिक करते हैं, जैसे कि आपकी वीडियो पे कितने भी व्यूज आए हुए हैं, आपका चैनल ऑफकोर्स मोनेटाइज होगा तभी आप RPM चेक कर पाओगे, वरना नहीं चेक कर पाओगे। तो जैसे एक वीडियो पे आपने क्लिक किया तो देख सकते हैं, जैसे आप इस वीडियो पे क्लिक किया तो इस प्रकार का, और इस पर देख सकते हैं यहाँ पर इस पर जैसे ही व्यूज के सामने आपको ऐसे ही क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इस प्रकार सारा इंटरफेस आ जाता है। तो उस पर जाकर आपको क्लिक करना है और वहाँ पर जैसे थोड़ा से आपको स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पर आपको व्यूज और RPM दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RPM का मतलब ये देख सकते हैं, यहाँ पर RPM लिखा हुआ है, यही RPM होता है। और ये देख सकते हैं 1000 व्यू पे हमें कितना पैसा मिल रहा है, आपके भी इस प्रकार से ही शो होने लगेगा और वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं कि हमें RPM कितना मिल रहा है एक वीडियो का। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि RPM कैसे चेक करते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और प्यारा अच्छा सा एक कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा आपको समझ में आ चुका होगा कि RPM किस प्रकार से चेक करते हैं और कैसे किया जाता हो RPM से, RPM का मतलब क्या होता है। तो RPM का मतलब यही होता है कि 1000 व्यू पे हमें कितना पैसा मिलता है, ये सारी यहाँ पर RPM गणना करता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा।